हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, वीडियो पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पिक्सट को ओपन कर लेनी है, ठीक है। पिक्सट को ओपन करने के बाद एडिट फोटो में क्लिक करके आपको एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरा मॉडल का पिक्चर मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे आपको भी क्लिक करा लेनी है, या आप कोई सा भी फोटो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन से सीधा क्लिक कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ही मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है, पिक्चर पे, एंड क्रॉप कर लूँगा, एंड गैलरी पे सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस बैकग्राउंड का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड करनी है एंड अपनी पिक्चर को कर लेनी है ऐड। जैसे मैं इस पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इस कुछ इस तरीके से मिडिल पे आपको ऐड करना होगा, ठीक है, येलो के राइट पे, ठीक है, बड़ा हो एकदम बड़ा करके, ठीक है। एंड उसको आपको नीचे ब्लेंड में जाके कर लेनी है ऐड, नहीं ओवरली कर लेनी, ठीक है, ओवरली कर लेनी एंड पूरा इस तरीके से फुल कर देनी है, ठीक है गाइस। मतलब आपको जहाँ पर नीचे लाइन दाग दिख रहा है बस उसके ऊपर ही रखनी है, ठीक है, या राइट पे जा सकता है थोड़ा। एंड उसके बाद गाइस आपको कर लेनी है पिक्चर को क्लिक करके एडजस्ट, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडजस्ट का। आपको ब्राइटनेस को कर लेनी है, नहीं, स्टेरिलाइजेशन को कर लेनी है पूरा लो, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ बोले। कॉन्टेस्ट को आपको 50 के आसपास रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्राइटनेस को कर लेनी है थोड़ा हाई, 15 के आसपास रखनी है, ठीक है, एंड और कुछ नहीं करनी है। एंड गाइस आपको सेव कर लेनी है, ठीक है, एंड थोड़ा एडजस्ट करनी है इस कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा मतलब हाई करनी है पिक्चर को, ठीक है, बड़ा करके, क्योंकि वॉल की तरफ रहेगा आपका पिक्चर, ठीक है। उसके बाद कर लेनी है आपको सेव गाइस, ठीक है। एंड सेव होने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से आएगा, फिर से आपको ऐड फोटो में क्लिक करनी है, ठीक है। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद आपको सेम फोटो और एक बार ले लेने, या आप दूसरा भी फोटो कोई यूज़ कर सकते हैं वॉल लगाने के लिए, ठीक है। तो मैं सेम फोटो ही ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर से हम अपने पिक्चर को ऐड कर लेंगे, एडजस्ट में जाके ब्राइटनेस को कर लेंगे 20 की हाई कर लेंगे, ठीक है, 50 के आसपास रखनी है आपको, 49-50 के आसपास रखनी, ठीक है। एंड उसके बाद कर लेनी है कॉन्टेस्ट को लो कर लेनी है, ठीक है, -30 के आसपास रखनी है एंड कर लेनी है सेव, ठीक है। एडजस्ट करनी है फिर से आपको, थोड़ा मिडिल की तरफ रखनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके फेस के राइट साइड पे रखनी है अपनी पिक्चर को, ठीक है, इस तरीके से कुछ हाई कर देनी है एंड कर लेनी है इरेज़ थोड़ा पिक्चर को। आपको जहाँ पर दिख रहा है बड़ा बड़ा हुआ हो चुका है उस तरीके से आपको इरेज़ कर लेनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आपको कर लेनी है। एंड उसके बाद कर लेनी है गाइस पिक्चर को सेव, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको राइट का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं सैडो कर लेनी है, अरे यार याद नहीं रहता, सैडो पे ऐड कर लेनी है गाइस, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको लेफ्ट साइड राइट का ऑप्शन मिल जाता है, सेव कर लेनी है पिक्चर को कुछ इस तरीके से। एंड आपको उसके बाद आनी है इफेक्ट में, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फेक्स का, ठीक है, नहीं फिल्टर का। यहाँ पर फिल्टर में आपको ICY1 का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करनी है, फेड को 0 रखनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, फेड को 0 रख के बस कर लेनी है सेव। एंड सेव करने होने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी फेस को थोड़ा ब्यूटी की तरफ रखनी है, ठीक है। आपको फेस फिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपको पता होगा मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं फेस फिक्स से हर बार ब्यूटी करता हूँ, क्योंकि यहाँ से अच्छा होता है ब्यूटी। हार्डनेस को आपको 100 करके अपनी फेस पे बस आपको थोड़ा फिक्स 8-9 रख के आपका फेस पे सिर्फ ब्यूटी ऐड करते जानी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं जैसे कर रहा हूँ। तो इस ब्यूटी हो जाने के बाद फिक्स को आपको 9-10 के फिर से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरा 7 एडजस्ट हो गया तो वो एडजस्ट करके मैं कर लूँगा सेव, ठीक है गाइस। एंड गाइस उसके बाद गाइस हम फिर से इस ऐड फोटो में जाएंगे, ठीक है। ऐड फोटो में जाके एक PNG का लिंक, इस PNG का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़्यादा PNG यूज़ नहीं करूँगा गाइस, बस एक ही PNG यूज़ करूँगा, ठीक है। इस PNG का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ऐड करना होगा राइट पे लेफ्ट पे, ठीक है, ब्लैक एंड कर लेनी होगी सेव, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से।
एंड गाइस उसके बाद गाइस आपको और थोड़ा काम करना होगा, आर्टिस्ट में जाना होगा। ऑयल पेंट का सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल जाता है, अमाउंट को आपको थोड़ा कम कर लेनी है, ठीक है, 20 के आसपास रखनी है, ठीक है। उसके बाद कर लेनी है हार्डनेस को हाई करके, पहले तो फुल इरेज कर लेनी है। एंड उसके बाद गाइस आपको कैरेक्टर के थोड़ा थोड़ा राइट साइड पे साइज को मेंटेन करते हुए, हार्डनेस को मेंटेन करते हुए, ठीक है, थोड़ा नीचे साइड मतलब कैरेक्टर के बाहर आपको कर लेनी है ऑयल पेंट, जिसे मतलब कोई ख़राब ना दिखे इसलिए, ठीक है गाइस। एंड एडजस्ट होने के बाद गाइस आपको सेव कर लेनी है पिक्चर को, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस फिर से आपको अभी आपको टिक्स ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे आप जो भी बॉय हो, मैं जैसे यहाँ पर रिच बॉय ऐड कर रहा हूँ, आप कूल बॉय या कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं रिच बॉय दे रहा हूँ, ठीक है, तो रिच बॉय आपको ऐसा कुछ ऐड करना होगा, ठीक है, राइट पे क्लिक कर। एंड उसके बाद गाइस आपको ऊपर में तीर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाता है, जैसे मैं डेम्पेस्टर फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं, मेरा वीडियो नहीं देगा तो लास्ट में मैं दे दूँगा, ठीक है, एक वीडियो जिसमें आप पिक्सेट की प्राइम वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप डाउनलोड कर लेनी है। एंड उसके बाद आपको स्पेसिंग में जाके, ठीक है, पिक्सेट में स्पेसिंग में जाके आपको कर लेनी है, मतलब स्पेस ले लेनी है, ठीक है, अपनी टेक्स्ट पे। एंड इस तरीके से कुछ ऐड करनी है आपको, ठीक है। आपको राइट साइड पे ही लेनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड का हम जो भी बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो लेंगे नहीं, ठीक है, आपको क्रॉप कर लेंगे लास्ट की तरफ। तो इस तरीके से रिच बॉय लेने के बाद मैं थोड़ा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको शैडो भी ऐड कर लेनी है, ठीक है, शैडो ऐड कर लेनी है अपनी PNG पे, ठीक है। उसके एंड आप कुछ भी बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पिक्चर पे, ना भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव कर लेनी है, यूज़ नहीं करना चाहते तो। एंड गाइस लगभग 90% हमारा एडिट हो चुका है, एंड बस थोड़ा लाइट इतना क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड ले नहीं रहा क्योंकि ख़राब लग रहा है इसे, गाइस हम डायरेक्ट एडिट करो इसीलिए कुछ इस तरीके से, फिर से हम क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा येलो येलो दिख रहा है। तो क्रॉप करने के बाद गाइस अपना पिक्चर हो जाएगा रेडी, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। एंड गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस, वीडियो शेयर जरूर करना गाइस, और क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच गाइस।